दोस्तों, सूर्य कुमार यादव के धमाके के बीच दीपक हुड्डा ने किया सरप्राइज। भारत ने न्यूजीलैंड को ऐसे दी मात। जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो T20 इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है, भारत ने उसे न्यूजीलैंड को 65 रनों के भारी अंतर से हरा दिया। दोस्तों, इस बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप टीम इंडिया के फैन है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड को T20 इंटरनेशनल मैच में 65 रनों से हरा दिया, वो भी उसी के मैदान में। इस जीत के साथ ही उसने 3 मैचों में T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। दोस्तों, इस मैच में न्यूजीलैंड के जीत के लिए 192 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन पूरी टीम एक गेंद बाकी रहते हुए 126 रन पर सिमट गई। भारतीय टीम के जीत में सूर्य कुमार यादव, नाबाद 111 रन, दीपक हुड्डा 4 विकेट ने अहम किरदार निभाया। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा एवं आखिरी T20 मैच 22 नवंबर को नेपियर में खेला जाएगा। टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत काफी खराब रही। उसने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर फिन एलन का विकेट गंवा दिया, वो भी 0 रन पर। एलन को भुवनेश्वर कुमार ने असदीप के हाथों कैच करवाया। इसके बाद कप्तान केल विलियमसन एंड डेविड कॉनवे ने 56 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला। वाशिंगटन सुंदर ने डेविड कॉनवे को 25 रन के आउट करके यह पार्टनरशिप तोड़ी। दोस्तों, 2 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड प्रेशर में आ गया और उसने लगातार अंतराल में विकेट खोए। इस दौरान जरूरी रन रेट भी काफी बढ़ता चला गया। दोस्तों, न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान केन विलियमसन ही कुछ संघर्ष कर पाए। विलियमसन ने 52 बॉल का सामना करते हुए 61 रन बनाया, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत की ओर से पार्ट टाइम बॉलर दीपक हुड्डा ने मात्र 2.5 ओवर में 10 रन देकर 4 विकेट चटकाए। दोस्तों, खास बात यह है कि इन 4 में से 3 विकेट दीपक हुड्डा ने 19 ओवर में लिया। डेरिल मिचेल, इजन सोडी, एडम मिलने और टीम सऊदी को हुड्डा ने चलता किया। हुड्डा के अलावा युवी चहल और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट चटकाए। दीपक हुड्डा ने इस शानदार बॉलिंग के चलते एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। हुड्डा ऐसे पहले भारतीय बॉलर बन गए जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैच में 4 विकेट लिए हैं। इससे पहले टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 191 रन का उसको टारगेट मिला। देखा जाए तो भारत की स्कोर उतनी अच्छी नहीं रही थी। ओपनिंग करने के लिए भेजे गए ऋषभ पंत कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, मात्र 6 रन बनाकर फर्गुसन का शिकार बने। हालांकि दूसरे ओपनर ईशान किशन ने 31 बॉल पर 36 रन की तेज पारी खेली। ईशान किशन को सोडी ने चलता किया। ईशान के आउट होने के बाद दोस्तों रन गति तेज हो गई, क्योंकि दूसरे चेयर पर सूर्य कुमार सेट हो चुके थे। हालांकि श्रेयस अय्यर 13 रन, सूर्य कुमार यादव का ज्यादा साथ नहीं दिए। दोस्तों, 3 विकेट गिरने के बाद हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने 82 रनों की पार्टनरशिप करके भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव ने मात्र 51 बॉल पर नाबाद 111 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के रहे। इस तरह उन्होंने अपना दूसरा शतक महज 49 गेंदों में चौका लगाकर पूरा किया। दोस्तों, यह सूर्य कुमार यादव के T20 इंटरनेशनल करियर का दूसरा शतक है। सूर्य ने इसी साल इंग्लैंड में खिलाफ T20 इंटरनेशनल में शतक जड़ा था। कप्तान हार्दिक पांड्या की बात करें, उन्होंने 13 रनों की पारी खेली। दोस्तों, हालांकि न्यूजीलैंड आखिरी ओवर में वापसी करते हुए भारत को 200 रनों के अंदर रोकने में जरूर सफल रहा। इस ओवर में टीम सऊदी ने वाशिंगटन सुंदर, दीपक हुड्डा और हार्दिक पांड्या को चलता कर हैट्रिक विकेट लिया। दोस्तों, सूर्य की बैटिंग को देखिए तो उन्होंने अपने पारी में अंतिम 64 रन के लिए महज 18 गेंद खेली। अपनी पारी के दौरान सूर्य ने 360 डिग्री बैटिंग का नजारा पेश किया। स्पिन गेंदबाजों ने जब सूर्य को ऑफ स्टंप से बाहर बॉल पिच की तो उन्होंने कवर पर इनसाइड आउटसाइड खेला। दोस्तों, जब फास्ट बॉलर ने स्टंप पर बॉल डालने का प्रयास किया तो उन्होंने फाइन लेग की ओर चौके छक्के लगा लिए। दोस्तों, इस जीत के साथ ही लग रहा है कि भारत के लिए एक नया सवेरा आने वाला है और हम सभी क्रिकेट फैन को टीम को सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, और टीम को इसी तरह जितने में सहयोग करना चाहिए।